गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज हमारा डे वन है नीलम में. ओह माय गॉड सर, लुक एट द व्यू. आप व्यू चेक करो बस, हमें भी चेक करो. और हमारे साथी रेडी है. क्यों जी? बिल्कुल जनाब, पैकिंग शेकिंग कर ली है इन्होंने. बिल्कुल जनाब, आज खूबसूरती देखेंगे हम नीलम वैली की और एंजॉय करेंगे. रात कैसी गुजरी? रात वॉज गुड, इट वॉज कम्फर्टेबल. और मैं अभी भी जोहेब को बता रहा था कि बंदे को महीने में एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए नेचर को एंजॉय करने के लिए, अपने तमाम डेली की झंझटों से दूर, और अपने आप के लिए टाइम निकालना चाहिए. बिल्कुल, इट्स द बेस्ट प्लेस टू विजिट. वाओ यार, ये तो देखा ही नहीं, क्या बात है. सुनो यार, पहाड़ों में तो स्नो पड़ी हुई है, क्या बात है यार. ज़ोएब डिगी खोल. लहरों से खेलता अब जी हम लोग करते हैं. ये अभी सुबह सुबह का सुरूर है. ऐसे रहते हैं वो मेरे दिल में, जैसे जुल्मत में नूर रहता है. अब आदम का ये हाल है, हर वक्त मस्त रहता है, चूर रहता है. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया. सारा जहान मस्त, जहां का निजाम मस्त, दिन मस्त रात मस्त, शहर मस्त शाम मस्त, है तेरी चश्मे मस्त से हर खास वाम मस्त. यूं तो साकी हर तरह की मेरे मैं खाने में है. रात को हमारा स्टे अपर नीलम में हुआ और सुबह नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े अरणकेल की तरफ. अरे ज़ल्मा, हाँ भाई, जीते पैकिंग हो गई है, अब हम लोग निकल रहे हैं जी ऊपर केल की साइड में. अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे राइट साइड पे जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जा रहा है, और हमारे लेफ्ट साइड पे जो है पाकिस्तान डिस्प्यूटेड कश्मीर है, और सिर्फ दरमियान में एक दरिया का फ़र्क है जो कश्मीर को डिवाइड किया हुआ है. कपड़ा मार देना बस, बाकी बाहर से कपड़ा मारने की जरूरत नहीं है, खुश कपड़ा. केल के करीब रास्ते में हम इंसान नुमा चट्टान के पास रुके, जिसकी शक्ल बिल्कुल इंसान की तरह थी, और मैं तकरीबन 5 मिनट इस चट्टान को देखता ही रह गया, और देखने वालों की अक्ल भी दंग रह गई, मगर अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं कर सकता. We'll be right back.
भाई मुर्गी गिर गई है, मुर्गी चुरा ली है जी इन्होंने। भाई ज़ोएब, ज़ोएब किधर लेके भाग रहा था तू? किधर ये तस्वीर है। अब आप देख रहे हैं आप कितनी बड़ी रश है। फाइनली हम लोग अभी केल पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अरंगकेल की साइड, और हम लोग अभी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। एक लिफ्ट के लिए इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हैं यहाँ पे? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया, अभी भी कोई चांस नहीं है, तीन चार घंटे कोई चांस नहीं है जाने का। तीन चार घंटे वाकई में यार इतनी बड़ी रश होने के बावजूद कोई सवाल नहीं। सोच रहे हैं कि भूख का क्या मतलब कि दिन का खाना खाया? नहीं खाया, नहीं खाया, नाश्ता किया था सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे? हाँ सुबह 8 बजे नाश्ता किया। और अभी हाइकिंग भी करनी है? हाइकिंग करनी है। यहाँ पे तो हमें नज़र आया है कुछ खाने के लिए, क्यों बहुत मुश्किल है मेरा भाई। हमजा आप क्या छुप रहे हैं यार? मैं जी मुझे इस टाइम बहुत सख्त भूख लगी हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द अगर कोई बर्गर बन जाए तो हम खा के थोड़ा सा पूरा। यार भाई को बड़ी भूख लगी और बर्गर बना हुआ है बहुत खाते हैं। अच्छा जिस स्पीड में मैं ये खा रहा हूँ ना आप मेरी भूख का अंदाजा लगा सकते हैं। एक ही लिफ्ट पर लंबी रश होने की वजह से हम पैदल हाइकिंग पर निकल पड़े। ये हमारे जी छोटे छोटे बच्चे हैं और माशाल्लाह से देखें किस तरह से घड़ा उठाकर पानी लेके जाया जा रहा है। अच्छा यार ये भी फुल हिल रहा है यार, मतलब के फुल टाइम रिस्क में पानी का फ्लो तो चेक करो। नीचे मरने की फीलिंग्स आ रही हैं भाई। ओए, ओए, ओए। पानी की रफ्तार को देखकर अपनी तो पैक हुई हुई थी और दूसरी तरफ लड़कियां तो सेल्फियां बना रही थी। सड़क दे दें सीधी सीधी, मर्द हजरात तो फिर भी चल लेते हैं, बेचारे खवातीन का क्या हो। लेकिन हमारे साथ एक खातून एक हमारे ही कोलीग है, आपके क्या इंप्रेशन है, क्या फील कर रही है जो चलने में? वो बेचारा जुलून। No, I think सांस फूला है, सांस फूला हुआ, बात नहीं कर सकती। हम्मद दिखाएं यहाँ पे घोड़े, घोड़सवारी भी I think है, लेकिन I don't know। सर ये दे सकते हैं हमें? No, ये इस पर सामान ले, सामान सामान के लिए लिया था। तो और ये हमारे स्टेट यूथ असेंबली के ही लोग हैं जो इस वक्त पैदल हाइकिंग कर रहे हैं। प्राइवेटली आई थिंक कोई भी नहीं है, लोग ऐसे ही चले जाते हैं इतनी खूबसूरत जगह को जो कि देखना था। लेकिन और मजे का व्यू बताऊँ आपको, मेरे राइट साइड पे जो है वो दरिया चल रहा है। क्या बात है, और ग्रीनिश पानी कुछ को देखते हुए शेड भी दो कलर के आ रहे हैं। हाँ देखिए दरिया को देखते हुए आपकी थकन काफी कम हो रही है और इसको जब देखते हसीन नजारा है ये बहता दरिया और अपने मौजू के साथ और बड़े धीमे अंदाज में और बड़ी खामोशी के साथ वो बह रहे हैं और बहुत से पैगाम दे रहे हैं, खुसन हमारी कश्मीर की आज़ादी की बात बता रहे हैं कि मैं अभी श्रीनगर से होता हुआ आपके पास पहुंच गया हूँ। तो दारा आप भी अपनी फ्रीडम के लिए जिद्दोजहद करें। हम अपने फ्रीडम के लिए और भाई का जो चैनल है वो कश्मीर टीवी है, तो इनका लिंक जो है वो चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू। और ठंडी ठंडी हवा और उसके साथ नेचर, क्या ही बात है। मतलब ये है कि भाई उन्होंने इतना प्यारा एडवेंचर मिस किया है। और यहाँ पे जो पुल की जो कंडीशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पीछे से आवाम गुजर रही है स्लोली स्लोली। गो गो ओके
سب ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ میرے ایک چینل ہے وولف برڈ کے نام سے, سارے سبسکرائب کر دینا. ہاتھوں جس لے بھائی ٹرین ہونے جا رہے ہیں ارنکیل. یہ یہ اسپرٹ ہونے چاہیے, ڈولی میں سے کوئی بھی آ جاتا ہے بھائی. یہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ لڑکیاں بھی آوازیں مارتی ہیں. فائنلی دو گھنٹے کا سفر کر کے ہم لوگ فائنلی ارنکیل پہنچ چکے ہیں, اور ہمارے ساتھ دو لاہوری ہیں جو واقعی میں آج انہوں نے پروف کیا ہے کہ وہ زندہ دل ہیں. اور بھائی کی آپ حالت دیکھ سکتے ہو کہ کتنا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. کیوں, آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ پہلے تو لگ رہا تھا ہم نہیں کر پائیں گے, لیکن فائنلی کر ہی لیے. فائنلی کر لیے. ویسے آپ لوگ تھکے نہیں ہو یار؟ میرے تو سینے ہی نہیں بند ہو رہے. یہ ہمارے خان بھائی ہیں, فواد بھائی, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ انہوں نے سفر کیا اور بڑا اچھا سفر گزرا ہمارا ان کے ساتھ. انگلش اردو پلس پشتو پلس پنجابی یار, مطلب کہ سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور کیا ہی ماحول ہے یار. فائنلی ہم ارنکیل اوپر ٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں, اور آپ کو میں بتاؤں گا ہائکنگ کے تھرو آئیں مر جائیں گے. پلیز آپ لفٹ کے تھرو آئیں, کیونکہ میں ہائک کر کے آیا ہوں, مجھے پتا ہے کیسے یہاں پہ پہنچاؤں. توبہ. یہ وہ بندہ ہے جسے مجھے چھوڑ گیا ہے. بھائی یہ اتنی شور سے بھاگے ہیں نا, مطلب کہ بندہ کسی کا ویٹ کر لیتا ہے. بندہ تھوڑا سا, مطلب کہ میں جو کیپچر کر رہا تھا مجھے تھوڑا سا رکنا پڑ رہا تھا, پر بھائی صاحب پیچھے دیکھا ہی نہیں. ہم مطلب پیچھے دیکھا ہی نہیں یار. اب میں کیا بولوں, یہ چیز بس دوستی ہوگی. ماشاء اللہ پتہ نہیں کیا بول ہے. کشمیر کے لیے ایک ورڈ, کشمیر کے لیے ایک ورڈ. کشمیر زندہ باد, پاکستان زندہ باد. یار کیا بات ہے, 18 تاریخ سے بھائی کا ویٹ کر رہا ہے اور فائنلی ہماری ملاقات ہو گئی ہے. کیوں بھائی, کیسا فیل کر رہے ہو؟ بہت اچھا, اور ساتھ ایک ہی جگہ میں پلندری ان دونوں. اور یہ حماد بھائی ہمارے سینئر تھے, اس ٹائم تو ہم تھے ہی نہیں کالج میں, لیکن بعد میں ری یونین میں حماد بھائی سے ملے تھے. کافی ماشاء اللہ بلاگنگ جو ہے وہ دن بہ دن بہتر ہی جا رہے ہیں آپ کے, اور بیسٹ آف لک فار فیوچر. اور ون ورڈ فار کشمیر, کشمیر زندہ باد. اور دعا کروں گا کہ اللہ کشمیر میں امن لے آئے. آمین آمین.